हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये इचिनोसेरेस पेंटाफोलम है और ये दो दिन से काफ़ी अच्छे से खिला था। अब आज बारिश होगी तो थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया है फ्लावर, बट सभी में फ्लावर बट आई हुई है। देखिए ये भी खिलने वाला है। इधर ये सब फ्लावर बर्ड्स ही आई हुई हैं। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये मैंने फैब में ट्रांसप्लांट किए थे सारे, ये डिवाइड किए थे। इसमें मेरे लगे हुए थे, ये मदर प्लांट था, ये पूरा भरा हुआ था, तो सबको मैंने डिवाइड किया था। तो देखिए ये सभी में डिवाइड करने से ये सभी में फ्लावर्स आए हैं और बहुत सुंदर फूल आता है। इसका मैं पिक मैंने खींचा था कल, मैं टाइम नहीं मिल पाया था। ये देखिए कैटरपिलर ने इसे फ्लावर को खाया हुआ है। इसकी जगह मैंने कल शिफ्ट की थी शाम को, इधर ला के रखा था। अब अचानक से बारिश होगी क्योंकि ये खा लिया था, तो मुझे लगा ये कैक्टस भी खा जाते हैं कैटरपिलर। और पीछे एडेनियम की कटिंग्स लगाई थी, ये बेकार हो गई। तो अब मैंने इधर यहाँ शिफ्ट किया है। ये बुरी तरह से खा लिया क्योंकि उसके क्रिसेंथेमम के पास में लगा हुआ था, तो उससे कीट इस पर आ गए होंगे कैटरपिलर, तो इसे खा गए फूल को। और कई फ्लावर्स आए हुए हैं, फर्स्ट बस खिलने ही वाले हैं, एक या दो दिन में खिल जाएंगे। देखिए ये भी पूरा ब्लूम पे होने वाला है, ये भी, ये भी और ये भी, और ये छोटा सा है अभी, ये वाला भी छोटा सा है, और ये है और ये है। तो मैंने फरवरी में अच्छे से रिपोर्टिंग की थी, खाद वगैरह डाल के, कुछ NPK डाला था जो ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है। कैक्टस में हमेशा ग्रेन्यूल फॉर्म में फर्टिलाइज़र दें जब भी मिट्टी बनाए, तो वो धीरे धीरे कैक्टस को मिलता रहता है। और अगर आप जब पानी दें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, अदरवाइज़ आप जब भी मिट्टी बनाए इसकी, तो एक हिस्सा आप ईंट का चूरा लीजिए। देखिए ईंट का चूरा भी है, इसमें दिख रहा होगा आपको रेड रेड, ये तो ईंट का चूरा था, वो मैंने डाला था। और गार्डन सोयल थी, सैंड ज़्यादा थी, मतलब सैंड की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी थी। और इसमें अब ग्रोथ भी खूब अच्छे से हो रही है, देखिए सारी ये ग्रोथ ही निकल के आ रही है। ये फ्लावर बड बनेगा तो ये ग्रोथ नई ग्रोथ में ही निकलते हैं ज़्यादातर। अगर नई ग्रोथ नहीं होगी तो आपके फ्लावर बड्स भी नहीं आएंगे। देखिए ये पुरानी ग्रोथ है, इसमें नहीं है, नई ग्रोथ में ये आते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्लावर्स इसके। और ये मेरे पास कई एक प्लांट हैं इसके, देखिएगा आप। ये मैंने सारे ये डिवाइड किए थे उस फैब में, जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो मैंने ये निकाल निकाल के अलग कर दिए थे। तो ये बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे पास में, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और कुछ दिन स्ट्रेस में थे, छाया में रखे, वैसे भी ये ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप तेज़ धूप में रख देंगे तो इसके फ्लावर्स नहीं आएंगे, डायरेक्ट सनलाइट जिसे कहते हैं उसमें नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी ये बिल्कुल फ्रंट पे ही वहाँ पर रखा हुआ था, उस बॉल के साइड में लगा हुआ था, तो वहाँ पे 11 बजे तक की तेज़ धूप, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो उसमें ये बिल्कुल बेकार हो गए, फूल खिले ही नहीं इसमें। और जैसे ही मैंने इधर शिफ्ट किया यहाँ पर इसकी छाया में, जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे ही मैंने शिफ्ट किया था, नीचे की साइड में रख दिया था, बड़े बड़े प्लांटर्स थे और बड़े बड़े प्लांट थे उनकी छाया में रखा था, तो इसमें फ्लावर्स आने लगे। और यही कंडीशन मैंने इस बार भी की थी, मैंने ये वाला पॉट मेरा था जो वहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल उसके गुलाब वगैरह की और उधर उसकी करी पत्ता की छाया पड़ी थी वहाँ रखा हुआ था। और ये वाला मेरा वहाँ रखा हुआ था वहाँ पर उस साइड में, वहाँ पे भी धूप कम आती है, मुश्किल से 2-3 घंटे की धूप आती है तभी इसमें कैटरपिलर लगे हैं। हल्की सी वो भी पार्शल सनलाइट आती है, तो इसे पार्शल सनलाइट में रखिए, ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखें। ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल रेड हो जाएगा और फ्लावर नहीं देगा। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इसे आप तेज़ धूप में मत रखिएगा, तेज़ धूप में रखेंगे, जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे 2 बजे तक की बहुत तेज़ धूप लगेगी, तो यहाँ पर ये अच्छे से नहीं चल पाएंगे। बट मैंने फिर भी वीडियो बनाने के लिए रखा है। उधर कैटरपिलर भी लगे थे बहुत बुरी तरह से, तो मैंने ये इसलिए यहाँ रख दिया कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, मैं इधर रखूँगी इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा ना कि यहाँ पर धूप कम लगेगी, इसकी छाया पड़ जाएगी इसकी, और हवा भी ऐसा अच्छे खासी लगेगी हवा, और धूप कम लगेगी, तो मैं यहाँ पर रखूँगी इसे, और इसे मैं शिफ्ट कर दूँगी इस साइड में, क्योंकि ये अभी धूप बर्दाश्त कर लेगा। ये पेपर फ्लावर लगा हुआ है, कुछ सीड भी ग्रो हो रहे हैं इसमें, तो अभी ये धूप को ले लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, बट ये अभी धूप नहीं बर्दाश्त करेगा क्योंकि फ्लावरिंग पे है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ये तो चलो चल जाएंगे क्योंकि इधर शेडी एरिया, अभी सुबह सुबह की धूप मिल जाएगी, देख रहे हैं आप, ये जब सूरज इधर मुड़ेगा तब धूप नहीं लगेगी, तो ये तो फिर भी चल जाएंगे, ये भी चल जाएगा, इसकी सबकी छाया मिलेगी। पर ये ऊँचा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसमें धूप तेज़ लगेगी। और ये देखिए मैंने अपने हाथ से बनाया था, ये मेरा हैंडमेड प्लांटर है ये,
तो इसी में मैंने लगा दिया बस। और ये ज़्यादा शैलो है, ये ऐसे इस तरह का है, इतनी सी इसकी हाइट है, देखिए आप इतनी सी हाइट है इसकी, मुश्किल से 4 या 5 इंच होगी, 4 इंच या 5 होगी। तो हमेशा इस तरह के कैक्टस, इस तरह की नहीं कोई भी कैक्टस लगाएं तो उसका ये चीज़ डायमीटर हो बहुत ज़्यादा हो, हाइट कम हो। हाइट ज़्यादा होगी तो उसमें ये थोड़ा सा इनमें पानी ज़्यादा रहेगा तो ये मिट्टी सक पानी ज़्यादा कर लेगी तो ये गलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फिंगर कैक्टस भी बोलते हैं क्योंकि ये उंगली की तरह लंबे लंबे होते हैं और फ्लावर्स तो बस बहुत खूबसूरत आते हैं, ढेर सारी बर्ड्स आई हुई हैं, ढेर सारे फूल खिलेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और मेरा मन कर रहा है कि शायद में एक साथ फूल खिले तो बहुत सारे फूल अच्छे लगेंगे, देखते हैं कब तक फूल खिलते हैं इसमें ये सारे। पर बहुत खूबसूरत फूल लगे थे, ये काफ़ी प्यारा फूल लगा था। और ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ आपको, पूरा खुल नहीं, अभी बारिश की वजह से ये थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं तो बारिश के पानी से बचाना है, मैं इतने ढेर सारे प्लांट कहाँ लेके जाऊँ। और बारिश सुबह की बताई थी और ये रात को ही बारिश हो गई थी, सुबह सुबह की बारिश बताई थी कि दिन में बारिश होगी, अब दिन में बारिश कहीं नहीं होगी, मुझे पानी लगाना ही पड़ेगा। देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है, बुरी तरह से आंधी शुरू हो गई है तो अब हवा भी बहुत चल रही है, इनकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, अभी पानी भी लगाऊंगी क्योंकि सभी प्लांटर ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, ड्राई मिट्टी है तो सूख जाएंगे मेरे सारे पौधे, तो मैं पानी लगाऊंगी इनमें, पानी नहीं बाकी सारे प्लांट में पानी लगा दीजिएगा पर इनमें पानी अभी मत दीजिएगा क्योंकि लिक्विड है बना हुआ, पानी काफ़ी भीगा भीगी मिट्टी लग रही है, दिख रहा है, दिख भी रहा होगा आपको, ये गीली गीली मिट्टी है तो अभी आप पानी मत दीजिएगा, जब इस तरह की ड्राई मिट्टी हो जाए तभी पानी दीजिएगा। पानी हमेशा देख के दीजिएगा मिट्टी कैसी है आपके प्लांटर की, तभी पानी दीजिएगा। कैक्टस जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग से ही मरता है, ये कभी भी आपका प्लांटर जो है प्लांट है ये कैक्टस ये कभी भी ओवर ड्राइनेस से नहीं मरेगा, बाकी किसी चीज़ से नहीं मरेगा, बस ओवर वाटरिंग से मरेगा क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं कैक्टस। तो कैक्टस में पानी कम दीजिएगा, मिट्टी देख के दीजिएगा, सप्ताह में एक बार इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा, हल्दी हो तो हल्दी मिट्टी में मिला के डाल दीजिएगा, ये पानी में घोल के दे दीजिएगा, लिक्विड फर्टिलाइजर अनियन फील फर्टिलाइजर दे दीजिएगा या फिर कोई और फर्टिलाइजर दीजिएगा। और अगर आप DAP देना चाह रहे हैं तो उसका लिक्विड बना के रख दीजिएगा, शाम को भिगो दीजिएगा उसे, फिर उसका पानी आप इसमें डाल दीजिएगा, ईजिली आराम से उसे ऑब्जर्व कर लेगा। और NPK भी दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, आप आराम से दीजिएगा, पोटाश का लिक्विड बना के दीजिएगा, मेरे पास पोटाश है वो मैं देती हूँ ज़्यादातर, ऑर्गेनिक पोटाश जिसे कहते हैं, मेरे पास लिक्विड है वो उसे मैं पानी में भिगो के और सब इसमें डाल देती हूँ तो ये अच्छे से ले लेते हैं, उसी का असर है ये। और कुछ मैंने रिपोर्टिंग की थी उसका भी असर है इस पर, तो रिपोर्टिंग और सारे ये सब मिलके एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ये, तो आप भी इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए, आपको मिल जाए तो। बहुत प्यारे फूल आते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर फूल, देखने में एकदम अट्रैक्टिव होते हैं, दूर से दिखते हैं बड़े बड़े फूल, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, तो इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर 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 अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर लगाइएगा अपने गार्डन में, ये बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर फूल होते हैं इसके, अति सुंदर जिसे कहना चाहिए वो होते हैं। और इसकी मैंने लोकेशन भी थोड़ी सी चेंज कर दी है, मैंने वो हटा दिया पेपर फ्लावर और ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं इस तरह से, और ये इस तरह से फूल खिलेंगे तब मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी, सारे फूल खिलेंगे तो। और पानी का विशेष ध्यान रखना है, बस पानी एक्स्ट्रा नहीं देना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि पानी कम दीजिएगा। नए गार्डनर है तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा केयर नहीं होती है, मैंने अभी एक बार ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और इस तरह की बीड्स वगैरह का भी ध्यान रखिएगा, जड़ से उखाड़िएगा क्योंकि इनकी रूट ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, इनकी कम रहती है, इनकी बीड्स की ज़्यादा रूट हो जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बीड्स वगैरह ना हो गए, सारी एनर्जी सक कर लेंगी, फिर आपको प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।